हेलो दोस्तों, सो ये आपका सेकंड पार्ट है। सो आपको सेफालोपोड के हम मॉर्फोलॉजी को ही थोड़ा डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको यहाँ पे सेफालोपोड में टू लेयर्स मिल जाएंगे दोस्तों। ओके, एक आउटर लेयर, लेयर वन इज आउटर लेयर। ओके, अनदर वन इज इनर लेयर, इनर लेयर। ओके, तो दोस्तों आपको दो लेयर मिल जाएंगे। आउटर लेयर जो है दोस्तों, उसका कॉम्पोजिशन क्या है? अरागोनाइट होता है। ओके, अरागोनाइट। ओके, दूसरा जो इनर लेयर है उसका कंपोजिशन अरागोनाइट प्लस ऑर्गेनिक सेडिमेंट। ओके, दूसरा जो लेयर है अरागोनाइट, अरागोनाइट प्लस क्या होता है दोस्तों? ऑर्गेनिक सेडिमेंट रहता है। मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक सेडिमेंट। क्यों? ये दोस्तों आपका मतलब सेफालोपोड सेल है। ओके, यहाँ पे दो जो भी आउटर लेयर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अरागोनाइट लेयर का ही होगा। जो इनर लेयर है और यहाँ पे तो ऑर्गेनिज्म बीच में तो रहेगा, इनर साइड ऑर्गेनिक मटेरियल तो रहेगा। और जो इनर लेयर को क्या बोला जाता है कि ये तो अरागोनाइट भी रहेगा, उसके साथ कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी अंदर से लाएगा। तो यही था दोस्तों आपका दो लेयर। ओके, जो बाहर वाला लेयर जो है दोस्तों, उसको ऑस्ट्राकोम बोला जाता है। ओके, ऑस्ट्राकोम बोला जाता है। जो इनर वाला लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नाक्रियस बोला जाता है दोस्तों। ओके, नाक्रियस लेयर बोला जाता है। ओके, जो कि जिसका कंपोजिशन है आर्गोनाइट प्लस ऑर्गेनिक लेयर। सो इसका टू दो लेयर रहते हैं जनरली, और दो लेयर को हम एक नाक्रियस लेयर और दूसरे को जो आउटर वाला बाहर वाला लेयर को हम ऑस्ट्राकोम लेयर बोलते हैं। ओके, आपको भी पता है सेल इज मल्टी चैम्बर हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 बहुत सारे मतलब कि चैम्बर रहते हैं, लेकिन लास्ट चैम्बर इज सो मच इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जो मेन बॉडी पार्ट रहता है और ये गैस फिल चैम्बर होते हैं दोस्तों। ओके, सो यहाँ पे जो इनिशियल चैम्बर आपको देखने को मिल रहा है, इनिशियल चैम्बर यहाँ पे देख सकते हैं इसी फिगर में। इनिशियल चैम्बर कौन सा है दोस्तों? ये है। ये जो इनिशियल चैम्बर, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हम बोलते हैं इसको प्रोटोकोंच। ओके, प्रोटोकोंच। ओके, इनिशियल चैम्बर इज नोन एज प्रोटोकोंच। ओके, यहाँ पे आपको पॉइंटेड एंड देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये एक पॉइंटेड एंड है यहाँ पे। इसी एंड को, पॉइंटेड एंड को हम एपेक्स बोलते हैं दोस्तों, एपेक्स। ओके, एपेक्स क्या है दोस्तों? ये लास्ट चैम्बर जो कि हमारा प्रोटोकोंच है, प्रोटोकोंच भी एक पॉइंटेड लाइक जो एंड है, इसी को हम एपेक्स बोलते हैं। ओके, तो यही है हमारा सेफालोपोड, यही है दोस्तों, ये उसका अपर्चर साइड। ओके, तो अपर्चर साइड की तरफ, ये जो अपर्चर साइड ये है, तो इसके तरफ जो भी आपको ये साइड को हम अबोरल साइड बोलते हैं दोस्तों। ओके, अबोरल साइड इसको बोला जाता है। ओके, और अबोरल एंड बोलते हैं दोस्तों, अबोरल साइड ओब्लिक अबोरल एंड। ओके, जिस तरफ दोस्तों आपका अपर्चर आपको मिलेगा, और ये दोस्तों क्या बोला जाता है? प्रोटोकोंच, और सॉरी प्रोटोकोंच एपेक्स। ओके, जहाँ पे प्रोटोकोंच एंड हो रहा है, ओके, इसको हम एपेक्स बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो बॉडी चैम्बर देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पे। ये जो बॉडी चैम्बर है दोस्तों, इसको बीच में कौन डिवाइड करता है? एक लाइन डिवाइड करता है दोस्तों बीच में से, इसी को हम सिफुंकले लाइन बोलते हैं दोस्तों। इसी को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो लाइन है, ये जो बीच में, ये जो बीच में से लाइन है, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सिफुंकले लाइन हम बोलते हैं। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो ये तो अपर्चर है, या इसी जो पेरिफेरी को पेरिस्टोम बोला जाता है, ये दोस्तों हमारा सिफुंकले है। और ये जो चैम्बर है, ये दोस्तों क्या है दोस्तों? हमारा बॉडी चैम्बर है, और ये हमारा प्रोटोकोंच है, और लास्ट वाला चैम्बर, इसमें दोस्तों बॉडी रहता है। ओके, मेन बॉडी पार्ट उसके, और इसमें दोस्तों बॉडी मतलब ओनली एयर फील रहता है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देन दोस्तों, ये हमारा क्या होता है कि वेंट्रल साइड यही है दोस्तों। ओके, सामने वाला साइड। ओके, डोर्सम साइड दोस्तों, पूरा पीछे वाला साइड को हम डोर्सम साइड बोलते हैं। ओके, फ्रैग्रम क्या है दोस्तों? आपको तो बता चुका हूँ। ओके, और एक इम्पोर्टेंट है अम्बिलिकल प्लग दोस्तों। ओके, अम्बिलिकल प्लग। ओके, तो अम्बिलिकल प्लग दोस्तों क्या है? दीज आर दी कैल्केरियस सेल डिपॉजिट फिलिंग इन दी अम्बिलिकल। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सेंटर है। ओके, इसी सेंटर से दोस्तों एक मतलब कि जहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सिस रहता है,
सेफालोपोड का। यहाँ पे दोस्तों एक मतलब कि सेंटर ऑफ एक्सिस तो एक क्या है इमेजिनरी एक्सिस है, ओके, इसी में एक छोटा सा डिप्रेशन होता है दोस्तों। इसी डिप्रेशन के अंदर अगर कैल्केरियस फील हो गया, इसी डिप्रेशन के अंदर अगर कैल्केरियस फील हो रहा है जहाँ पे आपका सेफालोपोड निकल रहा है, यहाँ पे जो जो एक सेंटर है, ये जो सेंटर है, इसी सेंटर से दोस्तों आपका क्या निकलेगा, क्या निकलेगा दोस्तों, कैल्केरियस फील, ओके, कैल्केरियस डिपॉजिट रहेगा इसी डिप्रेशन में, तो इसी को हम दोस्तों एम्बोलिकल प्लग बोलते हैं, ओके। और एम्बोलिकल प्लग में जो बॉर्डरिंग करता है दोस्तों, ये जो बॉर्डरिंग है ना, इसी बॉर्डरिंग, इसी को दोस्तों एम्बोलिकल मतलब एम्बोलिकल शोल्डर बोला जाता है। एक होता है एम्बोलिकल प्लग, दूसरा होता है एम्बोलिकल शोल्डर, ओके। द पोर्शन ऑफ सेल बॉर्डरिंग द एम्बोलिकस, क्या है दोस्तों आपका एम्बोलिकस, ये इसी को जो भी यहाँ पे बॉर्डरिंग कर रहा है, तो इसी को हम एम्बोलिकल शोल्डर बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्पेसिस है इसकी, इसको हम अपर्चर बोलते हैं। ये अपर्चर कभी कभी क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। जब भी अपर्चर क्लोज होगा दोस्तों, ओके, क्लोज होगा, ओके, तो क्लोज के लिए एक कैल्केरियस प्लेट का इस्तेमाल होता है दोस्तों। उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, एनाफाइकस, ओके, एनाफाइकस, ओके। द अपर्चर क्लोज बाई कैल्केरियस प्लेट इज नोन एज एनाफाइकस, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओपन किससे होता है दोस्तों, ओपन होता है दोस्तों एप्टीट्यूज से, ओके, एप्टीट्यूज से, ओके। तो अपर्चर क्या होता है कि दोस्तों ओपन क्लोज होता है ऑब्वियसली, ओके, तो इसी को हम क्लोज होने के लिए एनाफाइकस यूज करता है और ओपन होने के लिए दोस्तों एप्टीट्यूज यूज करता है। और यहाँ पे एक हाइपोनोमिक साइनस होता है, यहाँ पे एक हाइपोनोमिक साइनस होता है जो कि ये पेरिस्टोम के पेरिफेरी है, यहाँ पे एक राउंड, ये इनवर्ड प्रोजेक्शन को आप देख रहे हैं, और ये जो हाइपोनोमिक साइनस है ये अपर्चर के पास ही रहता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि और एक चीज होता है, ये आपका अपर्चर वाला पार्ट हो गया, ये दोस्तों आपका सिफुनक्ले वाला पार्ट हो गया, ये आपका सिफुनक्ले वाला पार्ट हो गया, ये दोस्तों आपका क्या है कि बॉडी चैम्बर हो गया, ओके, बॉडी चैम्बर। तो ये जो लाइन जो डिवाइड कर रहे हैं बॉडी चैम्बर, इसको बना रहे हैं, इसको हम सेप्टम बोलते हैं दोस्तों, सेप्टम बोलते हैं, ओके। ये जो जो लास्ट पार्ट है इसको बॉडी चैम्बर बोला जाता है, बॉडी चैम्बर। और जो बॉडी चैम्बर को डिवाइड कर रहा है ये जो लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेप्टम बोलते हैं, ओके। और ये वाला पार्ट को तो आप बता चुका हूँ, जहाँ पे एयर फिल रहता है उसको फ्रैग्मा कोन बोला जाता है, फ्रैग्मा कोन बोलते हैं, ओके। ये आपका एपेक्स हो गया, ओके। यहाँ पे जो सेप्टम जहाँ पे सिफुनक्ले के साथ मिल रहा है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सेप्टल नेक। इसी पार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये मतलब सिफुनक्ले है, यहाँ पे दोस्तों सेप्टम मिल रहा है, और जहाँ पे मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेप्टल नेक, ये वाला पार्ट को, ओके, सेप्टल नेक, ओके। तो सेप्टल नेक इसको बोलते हैं दोस्तों। और ये हमारा अबोरल एंड, ये साइड अबोरल एंड होता है, ओके। देन आपको बहुत सारे सेल यहाँ पे डिफरेंट सेल मिल जाएंगे, ओके, ये था उसका मॉर्फोलॉजी के पार्ट, ओके। आपको यहाँ पे बहुत सारे सेल मिल जाएंगे, सेल जो कि कोयल फॉर्म में होते हैं, कोयल मतलब ऐसे ऐसे, और कुछ कुछ अनकोयल फॉर्म में भी होते हैं, ओके, जैसे कि कोयल फॉर्म में होता है अनकोयल फॉर्म में ऑर्थोसेराकोन, ओके, स्ट्रेट सेल होता है, और साइटोकोन, बर्बिकोन, लिट्रीकोन, गायरोकोन, ये याद रखने की इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका सेल बहुत ही होता है, ओके। देन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेन थिंग यहाँ पे कोयलिंग कैसा होता है दोस्तों। दो टाइप के कोयलिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे होता है प्लानी स्पाइरल कोयलिंग, प्लानी स्पाइरल कोयल, ओके। दूसरा होता है आपका क्लोनी स्पाइरल कोयल, कोनी स्पाइरल स्पाइरल कोयलिंग होता है दोस्तों, ओके। तो प्लानी स्पाइरल जो कोयलिंग होता है, क्या होता है कि एक एक्सिस के सराउंडिंग से ही ये दोस्तों रोटेट करेगा, ओके, जैसे कि ये आपको देख रहे हैं, ये प्लानी स्पाइरल कोयलिंग। लेकिन दोस्तों कोनी स्पाइरल कोयलिंग मतलब एक एक्सिस पे, ओके, कोयलिंग अराउंड एक्सिस इन डिफरेंट प्लेन, आप देख सकते हैं ये, ओके। यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्सिस होगा, लेकिन ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे दोस्तों ये रोटेट करेगा, तो इसको कॉनी स्पाइरल, मोस्टली आपको प्लानी स्पाइरल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। प्लानी स्पाइरल का फॉर्मेशन होता है इवोल्यूट टाइप, ओके इवोल्यूट एडवोल्यूट एडवोल्यूट ओके देन इनवोल्यूट इनवोल्यूट टाइप देन कॉन्वोल्यूट टाइप ये दोस्तों पांच प्रकार के